प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड का कनेक्शन बरेली जेल से निकलने के बाद से बरेली में हड़कंप मचा हुआ है। बरेली जेल में हत्याकांड से जुड़े एक एक कनेक्शन परत दर परत अब खुल रहे हैं, तो वहीं ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इसी सिलसिले में एक बड़ा खुलासा हुआ कि कैसे जेल कैंटीन में सब्जी सप्लाई करने की आड़ में होता था बड़ा खेल, और इस खेल के खुलासे ने सबके होश फाख्ता कर दिए कि कैसे सब्जी की आड़ में नकदी और बाकी अन्य सामान अशरफ तक पहुंचाए जाते थे। तो वहीं इन सब के पीछे था सद्दाम अशरफ का साला, जो जेल के अंदर से लेकर बाहर तक अशरफ के तमाम काम किया करता था। फिर चाहे जेल में अशरफ तक तमाम ऐशो आराम का सामान पहुंचाना हो या फिर जेल में लोगों को अशरफ से मिलवाना, सद्दाम ही सारे काम देखता था। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के शूटर से भी सद्दाम ने अशरफ को मिलवाया था। यूं कहें कि अशरफ का वो सबसे स्ट्रॉन्ग हैंड जिससे जेल में बैठा अशरफ सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता था। अब पुलिस सद्दाम के खिलाफ 2 FIR दर्ज कर चुकी है। आया है कि उसका एक साला है सद्दाम भी यहाँ पे थाना बारादरी में फाइक इनक्लेव है, वहां पे एक किसी दूसरे के नाम पे किराए का एग्रीमेंट करा के वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया था और यहाँ आता जाता रहता था बरेली में। और जैसा पता चला है अभी तक जो भी जांच की गई कि वो अपने साथियों के साथ सद्दाम जिला जेल में जाता था और अशरफ से मिलता था, और बिना पर्ची के एक आईडी पे, दो आईडी पे 5 या 6 लोग जाके मिलते थे, और 2-2.5 घंटे उनको मिलाई का जो स्थान था उसके बगल में गोदाम है एक, तो वहां पे वो लोग उससे बात करते थे। तो इसमें जिन लोगों के नाम आए हैं कि जेल का एक सिपाही था शिवहरी अवस्थी, वो जब भी वो सद्दाम के संपर्क में था और उसकी लगातार उससे बात होती रहती थी, तो जब भी सद्दाम को मिलने जाता था तो उसको फोन कर देता था, तो वो बाहर आ जाता था और इससे आईडी लेके जाके अपना अप्रूव करा के फिर इन सब लोगों को अंदर करा देता था जेल की, और जहां ये लोग आपस में बात करते थे। और तो सद्दाम जिस किराए के मकान में रहकर अपना ये पूरा खेल करता था, उस मकान के मालिक ने भी एक FIR दर्ज करवाई है, FIR धोखाधड़ी की। दरअसल ये वही मकान है जहां सद्दाम फर्जी आईडी पर किसी और के नाम पर रहता था। क्या मकान किराए पे लेने के मामले में भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई या कोई FIR हुई है, वो किस थाने हुई है? जी, जो मकान इसने लिया था वो बता रहे हैं कि फेक आइडेंटिटी पे लिया था, एक मुश्ताक के नाम से एग्रीमेंट साइन किया था, जबकि रहता सद्दाम और उसका नौकर अफसर उसमें रहते थे। तो जो मकान के मालिक थे, जो केयरटेकर है, उनसे एक प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया कि इसने बेवकूफ बना के हम लोग को फेक आइडेंटिटी बना के और मकान में रह रहा था, और हम लोग को जब थोड़ा डाउट हुआ तो हम लोग को धमकाता था, तो इसी के आधार पे 420-67-68-71 और 504-506 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करके सद्दाम और उसके नौकर में मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं यूपी तक इसकी खोजबीन करने और सद्दाम की और हकीकत जानने के लिए पहुंच गया फाइक एनक्लेव इलाके के सद्दाम के उसी ठिकाने पर। हमने इस मकान के मालिक से भी बात करने की कोशिश की लेकिन वो बात नहीं करते हैं। वहीं पड़ोसियों से भी सद्दाम की एक्टिविटीज को लेकर बात करने की कोशिश की गई तो वो भी बचते नजर आए। हालांकि लोगों में खौफ जरूर दिखाई दिया, जिसमें पड़ोस के मकान में किराए पर रहने वाले इकरार खान तो अपने उस ठिकाने को बदलने तक की बात कह देते हैं। हालांकि वो ये जरूर बताते हैं कि वहाँ काफी चहलकदमी होती रहती थी। कितने लोग रहते थे? 2 लोग थे, एक लड़का दाढ़ी में था, वो कभी कभी दिखता था, नमाज नमाज को जाता था, एक और था बस। ये लोग ज्यादा दिखते ही नहीं थे। और कोई वो आते थे, फैमिली वगैरह आती थी कभी क्या? हमारी 20 दिन में हमारे सामने नहीं है। कभी वो आती थी क्या, गाड़ियां वगैरह आती थी यहाँ पे, असले वसले लेके कोई आते हो गाड़ियां लेके? ये चीज तो हम आपको कैसे हमने जब हमसे बात ही नहीं करते हैं, 20 दिन में हमने क्या, हम क्या कर सकते हैं? हाँ नहीं नहीं, कोई देखा ही नहीं है। अच्छा, आपको कब पता चला ये? 24 को आप नहीं थे, 25 को यहाँ? 24 से लेके 3 तारीख तक, जब 3 तारीख को हम यहाँ आए शुक्र की शाम को, तो चर्चाएं हो रही थी कि ऐसा वैसा ये वो, क्या हुआ, हमें तो 20 ही दिन हुए, हमारी फैमिली है और हम निजी बरेली के रहने वाले हैं, हम तो भाई साहब ये आज खाली कर रहे हैं मकान। अच्छा, आप जा रहे हैं? हमने बांध लिया, हम तो अपनी मुसीबत ले लेंगे, हमारा तो पूरा खानदान यहीं पे। नहीं, आपसे भी नहीं। अब आप ही आए हो, हमसे इंटरव्यू ले रहे हो, तो हम क्या आपको बताएं, 20 दिन में हम क्या बताएं? ये तो ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे इनको पता है कि कौन है कौन नहीं। वही और लोग भी इस पूरे मामले पर सन्न नजर आए। ये बताइए, यहाँ जो वो रहते थे सद्दाम या मुश्ताक, कभी किसी ने देखा, कभी कोई हलचल? हम तो देखा नहीं भाई, ना हम जानते हैं। अब पता चला जब पुलिस आ रही है इधर? हाँ, तो पूछ रहे हैं, हमें को पता भी नहीं।
कभी गाड़ियां आती हो, कोई हलचल किसी से लड़ते झगड़ते कुछ नहीं? झगड़ा हुआ लोगों का कहना है कि सद्दाम और उसका साथी यहाँ 1.5 से 2 साल से रह रहे थे और किसी से मिलते जुलते नहीं थे। वैसे ये भी जान लीजिए कि इस मकान से जेल की दूरी, वो जेल जहाँ पर अतीक अहमद का भाई अशरफ बंद है, करीब 20 से 22 किलोमीटर है। यानी कि मकान पूरी प्लानिंग के तहत किराए पर लिया गया। अब पुलिस सद्दाम की तलाश में है। वहीं इस मामले में अब तक पुलिस ने बरेली जेल के गार्ड समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।